गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम बातचीत करने जा रहे हैं सीसेट में। आज हम प्रारंभ करेंगे मैथ्स को, गणित के विषय को। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस बात से पूरी तरह से परिचित है कि यूपीएससी सीसेट में रीजनिंग जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैथ्स ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करेंगे बिल्कुल जीरो से। मैथ्स में पहला टॉपिक मैं सीधा प्रतिशत ले रहा हूं। भली आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, पर मुझे भरोसा है कि जब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा तो इसमें बड़े बेहतर तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। और मुझे थोड़ा सा कमेंट्स करते चलिएगा कहीं पर भी यदि कोई दिक्कत आ रही हो तो। जैसे कि हमने अपनी पुरानी क्लास में रीजनिंग में दो टॉपिक कंप्लीट कवर कर लिए थे, कैलेंडर और डाइस। आज हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीक में परसेंटेज पूरी तरह से कवर हो जाए, तो पहला टॉपिक मैथ्स का रेडी हो जाएगा। इस बार हो सकता है दो की जगह तीन क्लास ले, फ्राइडे सैटरडे संडे, डिपेंड करेगा आप कितने ज्यादा उत्साहित और एक तरीके से मैं कहूंगा कि किस तरीके से डेडिकेट है। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा को। सबसे पहले अपने तैयारी की शुरुआत आप कर सकते हैं भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ। 19 फरवरी तक, मतलब आप एक बेनिफिट उठा सकते हैं, एक बेहतरीन लाभ आपको दिया जा रहा है। 19 फरवरी तक इस समय 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है एमके लाइव रिफर कोड के माध्यम से। इस रिफर कोड के माध्यम से आप सीधा 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ये पहली बार 20% डिस्काउंट का सीधा ऑफर आपको मिल रहा है, तो इसका बेनिफिट उठाइए। और नोटिफिकेशन, जैसे कि आप जानते हैं वैकेंसीज और इंक्रीज हो गई है, 150 वैकेंसीज और बढ़ गई है, तो 1011 वैकेंसीज अब हो चुकी हैं। बढ़िया मौका है अपनी तैयारी को बेहतर करने का। ओरन एकेडमी अल्ट्रा कॉम्बैट संडे के दिन फिर से टेस्ट रखा गया है, आप लोग जीत सकते हैं कई टाइप के स्कॉलरशिप के अलावा प्राइजेस भी। एमके लाइव रिफर कोड यूज करते हुए टेस्ट को देना है। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में कई सारे बेनिफिट्स आपके पास हैं। यूपीएससी सीएसई बैच जो कि 19 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमके लाइव हमारा रिफर कोड है, जब भी अनएकेडमी पर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस रिफर कोड के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं अनएकेडमी को। आपके परिचय का कोई भी बंदा किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन के लिए अनएकेडमी पर एमके लाइव रिफर कोड यूज कर सकता है। लोन की भी फैसिलिटी आपके पास है, स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, सीसेट प्रैक्टिस की भी स्टार्ट की गई है सैटरडे के दिन 4 बजे दोपहर में, 15 मिनट का टेस्ट होता है, जरूर देते चलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं मैथ्स बिल्कुल जीरो से। मैं पहला ही टॉपिक जो स्टार्ट कर रहा हूं मैथ्स में वो है परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे, ये मानते हुए कि आज पहली बार ही आपको लगा है कि आपको परसेंट नाम का कोई टॉपिक पढ़ना है। अगर हम प्रतिशत की बात करें, परसेंट की बात करें, तो एक्चुअल में ये जो परसेंट टॉपिक होता है या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, मतलब आप यूपीएससी नहीं भारत की कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको परसेंटेज के सवाल डायरेक्टली मिलेंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं जिसमें परसेंट के क्वेश्चन न आते हो। वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं नीचे ही लिखूंगा। वॉइस का इशू आ रहा है,
अब आपको वॉइस ठीक आ रही है? क्या आप मुझे अब बेटर तरीके से सुन पा रहे हैं या फिर वॉइस ज्यादा है? आइए मैं एक बार वॉइस और चेक कर लेते हैं। नहीं, वॉइस पहले तो मैं नीचे लिखूंगा, उसका कोई टेंशन मत लीजिए। क्या वॉइस अब ठीक आ रही है या अभी भी वॉइस में इशू है? आवाज क्लियर है? मैं एक बार मोबाइल में भी देख लेता हूं। अब मुझे बताइएगा कि क्या वॉइस का इश्यू रिजॉल्व हो चुका है? क्या आप लोगों को मैं प्रॉपर तरीके से आवाज ठीक है? क्या आवाज अब ठीक है? आवाज अभी भी सही नहीं है? आवाज अभी भी ठीक नहीं आ रही है? आप बता सकते हैं कि वॉइस में कैसा इश्यू आ रहा है? मतलब वॉइस में, वॉइस में आवाज भी क्लियर है? एक बार जरा कमेंट्स न करने की जगह थम बताइएगा कि अगर वॉइस और क्लैरिटी दोनों चीजें क्लियर हैं तो मुझे बताइए, तो मैं शुरुआत करूं। आवाज अब शायद क्लियर आ रहा हो क्योंकि मैंने कुछ सेटिंग चेंज की है वॉइस में। मुझे बताइएगा कि वॉइस में वॉइस भी ठीक है? वॉइस भी ठीक आ रहा है? कई सारे लोगों के थम आ रहे हैं कि सब कुछ सही है। ठीक है ना? अभी आवाज क्लियर है पूरी तरह से? ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं फिर हम लोग। आज शुभारंभ कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान देते चलिएगा प्लीज, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिशत। बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ये मानते हुए कि आज पहली बार ही प्रतिशत नाम का ये टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रतिशत, परसेंटेज, बाइलिंगुअल क्लास रहेगा, प्रतिशत परसेंट। और जरा चीजों पर ध्यान देते चलिएगा। सबसे पहला तो हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द परसेंट। ये जो सेंट वर्ड है ना, ये रोमन शब्द है, रोमन वर्ड है, और सेंट का मतलब होता है 100। तो जब हम प्रति 100 लोगों में बातचीत करते हैं तो हम इसको दर्शाते हैं, प्रति 100 लोगों के लिए जब हम बातचीत करते हैं, पर 100% के लिए जब बातचीत करते हैं तो हम इसको दर्शाते हैं परसेंट से, प्रतिशत से। और इसीलिए फिर हमने इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया प्रतिशत। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हमसे कहे कि हमारे देश में 27% लोग गरीब हैं, बीपीएल में हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि मोटे तौर पर, सिंपल तौर पर कहें तो 100 लोगों में 27 लोग बीपीएल में हैं।
कोई कहे कि किसी देश में 80% लोगों ने वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 लोगों में 80 लोगों ने अपने वैक्सीनेशन को पूरा कर लिया है। तो जब हम एक जनरल बातचीत 100 लोगों के लिए करते हैं तो जनरली हम उसको प्रतिशत के रूप में दर्शाना प्रेफर करते हैं। दूसरी जो बात यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि जब भी हम प्रतिशत की बातचीत करते हैं तो यहां एक पर्टिकुलर सिंबल यूज किया जाता है, और ये सिंबल कई बार हमें कई जगह पर मिलता है। इकोनॉमिक्स में भी मिलेगा इस टाइप का, रीजनिंग में भी सिंबल यूज होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन में भी सिंबल यूज करते हैं। प्रतिशत में ये 20 वास्तविक रूप में 100 को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। अगर आप लोग इसमें 30 यूज करेंगे तो ये 1000 के लिए होता है, 1000 के लिए ये बातचीत करता है। और इसी तरीके से यदि ये 20 की जगह पर 40 आ जाए तो ये स्टैटिक्स में यूज होता है 10,000 के लिए। ये सामान्य सभी जगह पर हम यूज करते हैं। गणित में हम आज इसकी बातचीत करेंगे, ये ज्योग्राफी में भूगोल में यूज होता है। आप लोगों को अगर याद हो तो लवणता को दर्शाने के लिए, किसी समुद्र की लवणता को दर्शाने के लिए, और वो स्टैटिक्स में यूज किया जाता है जहां पर भी बड़े डाटा की बात आती है। बट हमें फोकस करना है हमारे प्रतिशत वाले सिंबल पर। तो सबसे पहले तो हमने जाना कि इसका मतलब क्या होता है, हमने इस बात को भी समझने की कोशिश की है कि गणित की दुनिया में जब हम प्रतिशत की बात करते हैं तो वो 100 लोगों के लिए दिया गया आंकड़ा होता है। अब हम सिखाने की शुरुआत कर रहे हैं, पहला बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, पहला बेसिक कंसेप्ट। जैसे हमें किसी पर्टिकुलर नंबर का कोई भी परसेंटेज निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि हमें 600 का 12% निकालना हो, तो किसी भी नंबर का किसी भी प्रकार का परसेंटेज निकालना हो तो 600 का यदि हमें 12% फाइंड आउट करना है तो 600 में 12 का मल्टीप्लाई करके उसे 100 से डिवाइड कर देना तो ये जो भी वैल्यू आ जाएगी ये उसका 12% कहलाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गणित का पहला नियम, परसेंटेज का पहला नियम हमें ये कहता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर नंबर का कोई पर्टिकुलर परसेंटेज निकालना है तो उसमें उतने का मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दो तो उसकी उतनी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। जैसे आपने कहा कि सर यूपीएससी में 200 अंक का पेपर होता है और सीसेट में क्वालिफाइंग मार्क्स 33% हैं, तो 200 का 33% कितना होगा, तो हम कहेंगे कि 66 मार्क्स हो जाएंगे, तो ये 200 का 33% माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको 500 का 10% निकालना है तो आप 500 में 10 का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 500 का 10% हो जाएगा। यदि आपको कोई कहे कि 800 का 32% निकालिए तो 800 × 32 / 100 तो ये डायरेक्टली 800 का 32% हम निकाल सकते हैं। कोई आपसे कहे कि 120 का 15% फाइंड आउट करिए तो 120 × 15/100 तो आई थिंक, मुझे लगता है कि अब आप में से कई लोग इस बात को बढ़िया से समझ चुके होंगे कि हमें अगर किसी पर्टिकुलर नंबर का कोई पर्टिकुलर परसेंटेज निकालना है तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई आपसे कहे कि मोहन का 20% निकालिए, जैसे मोहन एक व्यक्ति है जिसके नंबर कुछ आए हैं तो उसका 20% निकालना है तो मोहन × 20/100। हम कोई नंबर एक्स मानेंगे, एक्स का 40% निकालना है तो एक्स × 40/100। हमें अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज का कोई भी परसेंटेज निकालना है तो हमें उतने का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100। ये पहला बेसिक कंसेप्ट हमने सीखा है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा हूं मैं, ये मानते हुए कि आज गणित में पहली बार ही आपको पता चल रहा है कि परसेंटेज टॉपिक भी पढ़ना है, तो बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हम लोग। मुझे बताइएगा कि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी आ रही है कि कैसा कंसेप्ट है ये और किस तरीके की बातों को समझाने की कोशिश की गई है। तो
तो पहला कंसेप्ट, अब एक छोटा सा कंसेप्ट और सिखा रहा हूं बेसिक में ही, अभी हम बेसिक में ही हैं। कंसेप्ट टू, बेसिक में कंसेप्ट टू बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हुए मैं थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना चाहता हूं, तो 10% का रूल याद रखना मेरा, 10% का नियम। 10% का रूल कहता है कि अगर हमें किसी भी नंबर का 10% निकालना है, जैसे हमें 300 का 10% निकालना है, तो राइट हैंड साइड से एक नंबर के बाद दशमलव लगा दीजिए, राइट हैंड साइड से एक नंबर के बाद दशमलव लगा दीजिए, डायरेक्टली 10% वैल्यू मिल जाती है। डायरेक्टली किसी भी नंबर में राइट हैंड साइड से एक नंबर के बाद दशमलव लगा दीजिए, वो 10% वैल्यू है। लाइक 148 का 10% तो हम कहेंगे 14.8 होगा, कोई हमसे कहे 90 का 10% हम कहेंगे कि 9 होगा, कोई हमसे कहे 125 का 10% हम कहेंगे कि 12.5 होगा, कोई कहे कि 500 का 10% तो हम कहेंगे कि 50 होगा, कोई कहे कि 700 का 10% हम कहेंगे कि 70 होगा। अगर 10% निकाल पाए तो 20% भी निकाल सकते हैं, 10% 30 है तो 20/60 हो जाएगा, डबल कर देंगे। 10% 14.8 है तो 20% डबल हो जाएगा, 29.6 हो जाएगा। 10% 9 है तो डबल 20% 18 हो जाएगा। 10% 12.5 है तो 20% 25 हो जाएगा। 10% 50 है तो 20% 100 हो जाएगा। 10% 70 है तो 20% 140 हो जाएगा। दिखना चाहिए आंखों को 10% यदि हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम 20% भी निकाल सकते हैं इजीली। तो किसी भी नंबर में राइट हैंड साइड से एक नंबर के बाद जब हम दशमलव लगा देते हैं तो वो डायरेक्टली 10% वैल्यू होती है। ये दूसरा कंसेप्ट बेसिक का बिल्कुल याद रखना। बेसिक में कंसेप्ट थर्ड पर आ रहे हैं, कंसेप्ट थर्ड पर कई बार हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना पड़ता है। जैसे कोई हमसे कहे कि एक इलेक्शन में 2/5 वोटर्स ने XYZ पार्टी को वोट दिया, एक इलेक्शन में 2/5 मतदाताओं ने किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिया, तो कितने प्रतिशत अगर हमें इसको निकालना हो तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डायरेक्टली डाटा परसेंट में बदल जाएगा। तो हम कहेंगे कि भाई 2/5 क्यों कह रहे हो, 40% कहो सीधा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको परसेंटेज चाहिए तो आपको भिन्न में, गणित की दुनिया में जब भी किसी को 1/2, 2/3, 3/4, 4/3 ऐसा लिखा जाता है तो इसको गणित वाले महान ज्ञानियों ने भिन्न नाम दिया है, अंग्रेजी में फ्रैक्शन नाम दिया है। तो फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो वैल्यू सीधी परसेंट में बदल जाती है। इस दुनिया में किसी भी फ्रैक्शन को यदि हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सीधा परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा प्रतिशत में बदल जाएगा। तो जैसे कोई हमसे कहे 4/5 लोग हमारे देश में वैक्सीनेटेड हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने परसेंट लोग वैक्सीनेटेड हैं, हम कहेंगे कि 80% लोग हमारे देश में अब वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, 80% लोगों ने हमारे देश में वैक्सीनेशन टीकाकरण कंप्लीट कर दिया है। यदि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है तो आप मुझे बताइए कि 2/25 का मतलब कितना परसेंट होगा, 17/20 का मतलब कितना परसेंट होगा, 19/25 का मतलब कितना परसेंट होगा, 4/5 का मतलब कितना परसेंट होगा, या 13/20 का मतलब कितना परसेंट होगा, 9/10 का मतलब कितना परसेंट होगा, 11/25 का मतलब कितना परसेंट होगा। सारी वैल्यूज का परसेंटेज मान मुझे बताइए तेजी से कमेंट्स करके। तेजी से बताइए कि इन सभी का परसेंटेज वैल्यू कितना आएगा। सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है आप लोगों को, परसेंटेज वैल्यू कितना आएगा इन सभी का। और 976 लोग देख रहे हैं, लाइक 820 है,
हो सकता है वॉइस थोड़ी सी खराब हो, लेकिन मास्टर खराब तो नहीं पढ़ा रहा होगा ना। तो लाइक बिल्कुल आते ही लाइक लगा दिया करो, इतना तो पुण्य कर लिया करो यार। मतलब ये भी कोई चीज होती है कि मास्टर को बताना पड़ रहा है कि इतना पुण्य कर लिया करो, आते ही लाइक कर देना चाहिए। इतनी तो फीस ले रहा हूं मैं, बस लाइक और शेयर इतना तो देना पड़ेगा आप लोगों को पैसों के रूप में। तेजी से बताते चलिए, तो आप कहेंगे कि सर हर जगह पर क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई। तो आपने 100 का मल्टीप्लाई किया तो पहले का आंसर आ जाएगा 8%, दूसरे में 17/20 100 का मल्टीप्लाई किया तो हम कहेंगे कि आंसर आएगा 85%, तीसरे में 19/25 100 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 76%, चौथे में 4/5 × 100 तो आंसर आ जाएगा 80%। इसी टाइप में फिर हमने अगले को भी सॉल्व किया तो 13/20 13/20 × 100 हम कहेंगे कि 65%, इसी में 9/10 × 100 तो हम कहेंगे कि 90%, 11/25 × 100 तो यह आंसर आ जाएगा 44%। एक मोटे तौर पर कहें तो आपके पास परसेंटेज निकालना हो, किसी भी फ्रैक्शन को भिन्न में बदल, किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलना हो तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। मैं एक नियम लिखा दे रहा हूँ प्रतिशत का साइन लगाने के लिए, प्रतिशत का सिंबल लगाने के लिए, सिंबल लगाने के लिए 100 से गुना किया जाता है, गुना किया जाता है। फॉर द साइन ऑफ परसेंटेज वी मल्टीप्लाई बाय 100 इन द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ही नहीं, जब भी हमें परसेंट चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई करने का नियम होगा। तो पहला कंसेप्ट मैं रिवाइज कर रहा हूं, जो लोग अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पहला कंसेप्ट मैंने सिखाया कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर का जितना भी परसेंट निकालना है उतने का मल्टीप्लाई करके सीधा परसेंटेज निकाला जा सकता है। दूसरा 10% का रूल, राइट हैंड साइड से एक नंबर के बाद दशमलव लगा दीजिए, 10% का रूल आ जाएगा। तीसरा, परसेंटेज की जब भी हम बातचीत करते हैं तो परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शन में, तो वैल्यू सीधी परसेंट में आ जाती है, जैसे हमने कई सारी चीजों को देखा। परसेंट का सिंबल लगाने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो यदि हमें परसेंट का सिंबल हटाना है, कोई हमसे कहे कि 24% मतलब कितने लोग, तो हम कहेंगे 24 को 100 से डिवाइड कर दो तो ये कहलाएगा 4 से सिंप्लीफाई किया 6 बार, और 25 तो हम कहेंगे 6/25 को हम कहेंगे कि ये 24% लोग है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, 6/25 का मतलब होता है 25 लोगों में 6 लोग, 6/25 का मतलब होता है 25 लोगों में 6 लोग। जैसे मैंने आपसे कहा कि देखो 24% लोग भारत में, 24% लोग भारत में ग्रेजुएट है। मान लीजिए मैंने कहा कि 24% पीपल आर ग्रेजुएट इन इंडिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 25 लोगों में 6 लोग ग्रेजुएट है, इसका मीनिंग ये रहेगा। तो यदि हमें परसेंट का सिंबल हटाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यदि हमें फ्रैक्शन में चाहिए, भिन्न में हमें उत्तर चाहिए, हम चाहते हैं कि हमें उत्तर भिन्न में मिले, तो परसेंटेज की वैल्यू को 100 से डिवाइड करना पड़ता है। जब भी हम 100 से डिवाइड कर देते हैं तो याद रखिएगा कि 100 से डिवाइड करने पर सिंबल रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो जैसे कोई कहे 20%, तो आप कहेंगे सर बड़ा सिंपल है, 20/100 1/5, तो हम कहेंगे कि हर 5 में एक व्यक्ति। तो आप लोग मुझे बताइए कि यदि आपसे मैं कहूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इन ऑफ फॉलोइंग परसेंटेज, दिए गए प्रतिशत का भिन्न में मान बताइए, तो बताते चलिएगा कि 45% को भिन्न में क्या लिखा जाएगा, 32% को फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा, 88% को फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा, 4% को फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा, 0.5% को, 0.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा, 0.008% को फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा, 0.24
24% को फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा? सो टेल मी वैल्यू ऑफ दिस परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में इसे क्या लिखेंगे, भिन्न में इसे हम क्या लिखेंगे, आपको ये बताना है कि भिन्न में इनका मान क्या होगा। और हर जगह केवल 100 से डिवाइड करने वाली बातचीत रहेगी। अभी कठिन क्वेश्चन भी आएंगे मेरे लाल लालियों, पहले जीवन को यहां तक तो देख लो। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि जीवन यहीं पर समाप्त होगा? नहीं, अभी तो जीवन में दुख प्रारंभ होगा। ये तो पहले बेसिक शुरू कर रहे हैं ना। कभी भी याद रखिएगा कि जब भी मैं क्लास की शुरुआत करूंगा तो ये मानते हुए कि क्लास में किसी को कुछ भी नहीं पता है, ताकि सभी लोग बराबरी में आकर लड़े, तब जाकर कॉम्पिटिशन का मजा है। तो बिल्कुल बेसिक में ये चौथा कंसेप्ट है, बेसिक में ये चौथा कंसेप्ट है। बेसिक में ये चौथा कंसेप्ट है। फ्रैक्शन में आपको मान बताने हैं, भिन्न में आपको इनके मान बताने हैं कि भिन्न में इनका मान क्या आएगा। बढ़िया, जिन लोगों के आंसर आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया। हर जगह आपको केवल 100 से डिवाइड करना है, तो 45 डिवाइड बाय 100, 5 से कैंसिल कर दिया तो ये 9 टाइम्स डिवाइड होगा, ये 20 टाइम्स, तो 9 बाय 20, 32 बाय 100, 4 से कैंसिल किया तो ये 8 टाइम्स होगा और ये 25 टाइम्स। थर्ड, 88 बाय 100, 4 से कैंसिल किया तो यह आ जाएगा 22 बाय 25, 4 बाय 100 तो यह आ जाएगा 1 बाय 25। इसका मतलब 20 में 9 लोग, 25 में 8 लोग, 25 में 22 लोग, 25 में 1 लोग। यहां पर जरा ध्यान देंगे सभी लाल लाली, जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। यहां पर ये बात हमेशा याद रखिएगा कि यहां पर भी हम डिवाइड ही करेंगे, बट थोड़ा सीख लीजिए। पहली बार जो देख रहे हैं, अगर डेसिमल, दशमलव के बाद एक नंबर है, दशमलव के बाद एक नंबर है, और आप इस दशमलव को हटाना चाहते तो नीचे वाले को एक जीरो दे दो तो ये दशमलव हट जाता है। तो अब ये हो जाएगा 5/1000, और 5/1000 का मतलब हो जाएगा 1/200, और 1/200 का मतलब हर 200 लोगों में एक। यह आंकड़ा मैंने आपको इसलिए दिया ताकि मैं आपको बता सकूं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में जो पहली एग्जाम होगी ना, उसमें सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी इतनी है, इतनी पॉसिबिलिटी है चयनित होने की। इसका मतलब ये हुआ कि हर 200 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट सेलेक्ट होता है, हर 200 विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी सेलेक्ट होता है। पर अभी इनको भी देखना है, मैं आगे भी सॉल्व कर रहा हूं, इधर देखते चलिएगा। मैं स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं, इधर ध्यान देते चलिएगा सभी लोग। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 0.008/100, आप देखिए कि दशमलव के बाद तीन लोग आपके पास हैं, तो आपने नीचे तीन जीरो बढ़ा देने हैं। ऑलरेडी तो 100 था, ये तीन जीरो और बढ़ा दिए, ये दशमलव के बाद केवल और केवल अब 8 बच गया, 8 से कैंसिल किया तो एक बार बच गया 2, दो बार कैंसिल किया 16 बच गया 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/12,500, मतलब 12,500 लोगों में एक व्यक्ति। मतलब यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन इतने स्टूडेंट्स का होता है, पहली बार जो लोग फॉर्म भरते होंगे उसमें 12,500 में
वैसे मतलब आईएएस बनने की बात है, ये सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन आईएएस बनने की बात यदि हम कहें तो थोड़ा सा ये ज़्यादा ही कम बता दिया मैंने, फिर भी ठीक ठाक है। 12,500 में एक स्टूडेंट जो टॉप 10 टॉप 20 के ख्वाब देखते हैं। अब इस पर भी आ जाते हैं तो 24 यहां पर पॉइंट था 0.24/100, 24 नीचे दो जीरो इंक्रीज कर दिए, 8 से कैंसिल कर दिया मैंने तो ये 8 से 3 बार कैंसिल होगा, 8 से 1 बार फिर 2 बार फिर ये 1250। तो हम कहेंगे कि 3/1250 मतलब हर 1250 में 3 लोग। यूपीएससी में रियलिटी में सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी ही है, हर 1250 में 3 लोगों के चयन होने की पॉसिबिलिटी होती है। घबराना नहीं, आखिरी के तीनों सवाल थोड़े से कठिन हैं, पर पीसीएस वालों के सवाल है ये। पीसीएस वाले कई बार सीधा सवाल पूछते, यही है सीधा सवाल पूछ लेते हैं कि बताओ कि इसका वैल्यू फ्रैक्शन में कितना आएगा। तो बेचारे कई सारे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं ना, आर्ट्स बैकग्राउंड के थोड़े भावुक बच्चे होते हैं, तो वो कहते हैं कि 0.008 बेचारा पहले से ही तो इतना कम है, 100 से कहाँ डिवाइड कर रहे उस गरीब को। तो वो बेचारे क्या करते हैं कि भावनाओं में बहकर 100 का मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं। बेचारे 100 का मल्टीप्लाई तो कर लेते हैं लेकिन मेरे हिसाब से वो तब भी सही उत्तर नहीं निकाल पाते हैं, और इसका नुकसान ये हो जाता है कि ऑप्शन में एग्जामिनर ये ऑप्शन भी दे देता है, इस टाइप का ऑप्शन भी दे देता है, तो कई सारे लोग इस ऑप्शनों को चुन लेते हैं। गणित में तर्क शक्ति का महत्व है, लॉजिक का इम्पोर्टेंस है, भावनाओं का महत्व नहीं कि वो गरीब है तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, उसे 100 से ही डिवाइड करना पड़ेगा यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब कि यदि हमें प्रतिशत का सिंबॉल हटाना है, तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यदि परसेंट का सिंबल लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, और यदि सिंबल हटाना है तो 100 से डिवाइड कर दो, 100 से विभाजित कर दो। अभी तक हमने 4 बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं, मैं चारों बेसिक कंसेप्ट फिर से आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। पहला कंसेप्ट मैंने बताया कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर का कोई परसेंट निकालना है तो इस तरीके से निकालिएगा कि उतने नंबर में उतने परसेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100। 10% का रूल मैंने बताया कि राइट हैंड साइड से एक नंबर के बाद दशमलव लगा दीजिए तो 10%, जैसे 148 का 10% 14.8 हो जाएगा, 500 का 10% 50 हो जाएगा, 90 का 10% 9 हो जाएगा, 125 का 10% 12.5 हो जाएगा। अगर हमें परसेंट का सिंबल लगाना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई किया तो वो वैल्यू परसेंट में बदल जाती है, जैसे कि हमने इतने परसेंटेज फाइंड आउट किए थे। सिंबल लगाने के लिए 100 से गुना किया जाता है, यदि हमें सिंबल रिमूव करना है तो 100 से डिवाइड करवा दो। तो हमने देखा कि किस तरीके से 100 से डिवाइड किया जा सकता है अगर परसेंट का सिंबल हटाना है तो। अब आते हैं टाइप 1 पर। इस पूरे चैप्टर में 10 टाइप से लेकर 11 टाइप के प्रश्न हैं, तो अब मैं आपको टाइप 1 का क्वेश्चन हल करके दिखा रहा हूं। टाइप 1 के प्रश्नों पर जरा ध्यान देना, और बड़ा फेमस और बड़ा सिंपल टाइप है ये, यूपीएससी का फेवरेट टाइप भी है ये। पहला टाइप, टाइप 1 के सवालों पर आ रहे हम प्रतिशत में। पहले टाइप में हम चॉकलेट का कंसेप्ट सीखेंगे। सर ये चॉकलेट का कंसेप्ट क्या है? आधुनिक दुनिया में इसे यूनिटरी लॉ कहते हैं, आधुनिक दुनिया में इसे एकक का नियम कहते हैं, लेकिन हम गरीब लोग इसे चॉकलेट का कंसेप्ट कहेंगे, और ये सीखेंगे सभी लोग। कोई आपसे कहे कि 2 रुपए की 12 चॉकलेट, 2 रुपीज की 12 चॉकलेट्स, तो बताइए कि 7 रुपीज की कितनी? तो याद रखिएगा कि रुपए के नीचे रुपए, चॉकलेट के नीचे चॉकलेट, क्वेश्चन मार्क के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी और बाकी का मल्टीप्लाई होगा।
ये डायरेक्टली 7 रुपीज की चॉकलेट को फाइंड आउट करेगा। ये ऐसे अप्लाई करेंगे कि मान लो कि 20% इज इक्वल टू 140, तो 100% कितना, इस टाइप की इक्वेशन हम बनाएंगे। परसेंट के नीचे परसेंट को लिखना और नंबर के नीचे नंबर को लिखना। कहीं पर भी चॉकलेट का नियम, मतलब सिंपली 2 रुपए की इतनी तो 7 रुपए की कितनी, रुपए के नीचे रुपए और चॉकलेट के नीचे चॉकलेट लिखा जाएगा। तो आइए टाइप वन से आज मुलाकात करते हैं और जानते हैं टाइप वन के सवाल। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप नोट करते चलिएगा। बिल्कुल बेसिक टाइप है ये, लिखना। इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 10 प्रश्नों के सही उत्तर देता है, 10 प्रश्नों के सही उत्तर देता है तथा उसे कुल 40% अंक प्राप्त होते हैं, 40% अंक प्राप्त होते हैं। उसे 10 प्रश्नों पर पूर्ण अंक दिए जाते हैं, पूर्ण अंक दिए जाते हैं। इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन, ही गॉट 40% मार्क्स एंड ही गॉट कंप्लीट मार्क्स ऑन दिस 10 क्वेश्चन। तब इस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी क्वेश्चन एग्जामिनर आस्क इन दिस एग्जामिनेशन। आइए जरा देखिएगा, सीखिएगा बिल्कुल जीरो से। हम बिल्कुल क्वेश्चन अपने हाथ से लिख रहे हैं, इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आप चीजों को समझ सके, और बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं, जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ध्यान से देखना सभी लोग प्लीज। एक एग्जाम है, वहां पर 10 क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए, उसको उन 10 क्वेश्चन पर पूरे पूरे नंबर मिल गए हैं, नंबर कुछ भी कटा नहीं उसका, और उसे 40% मार्क्स मिल गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल नंबर उसको मिल रहे हैं तो इसका मतलब उस पेपर का 40% मार्क्स, उस पेपर का 40% मार्क्स 10 क्वेश्चन के बराबर है। यहां एक और लाइन लिखी हुई है कि परीक्षा में सभी प्रश्न समान अंकों के हैं, सभी प्रश्न समान अंकों के हैं, समान अंकों के हैं। All question in the examination have equal marks. तो 10 क्वेश्चन पर 40% मार्क्स है। बड़ा सिंपल हुआ ये कि 40% मार्क्स 10 क्वेश्चन पर है तो 100% मार्क्स कितने क्वेश्चन पर होंगे, जितने क्वेश्चन पर होंगे वही नंबर ऑफ क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए होंगे। आंसर आएगा कि इस परीक्षा में कुल 25 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, इस एग्जाम में कुल 25 क्वेश्चन पूछे गए होंगे। कितने लोग समझ पाए हैं और कितने नहीं समझ पाए हैं मुझे बताना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 40% अपने ऊपर लो, आपने एग्जाम में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपको 40% मार्क्स मिले पूरे पूरे, तो आप कहेंगे कि अगर सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं तो 40% मार्क्स उस पेपर का उन 10 क्वेश्चन पर ही तो था, तो पूरा 100% मार्क्स कितने क्वेश्चन पर होगा, बताइए जरा हमें। ठीक है, अब मैं आपको इसी टाइप में, याद रखिएगा हमारे गणित सीखने का तरीका क्या होगा। अब मैंने टाइप वन का पहला क्वेश्चन हल करके दिखाया है, अब मैं आपको दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन देते रहूंगा, और जब आपको लगेगा कि सर पहला टाइप क्लियर है, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए मैं निपटा दूंगा सवाल को, अब ये सवाल मेरे हाथों से बच नहीं सकता, इसकी औकात नहीं कि मुझे तकलीफ दे, तो मैं टाइप टू पर आ जाऊंगा। तो दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं।
एक व्यक्ति ने अपने लोन की 12 किस्तें चुकाई। ए पर्सन पेड 12 EMI ऑफ देयर लोन एंड तथा उसने कुल 60% ऋण बैंक को चुका दिया एंड 60% लोन पेड बाय दिस पर्सन। तब यहां कुल कितनी किस्तें थी। तब नंबर ऑफ EMIs इन दिस लोन, तब यहां कुल कितनी किस्तें थी। मैं लाइट लो करने की कोशिश तो कर रहा हूं लेकिन ठीक है। अब मुझे बताइएगा कि ठीक आ रहा है लाइट। तो बड़ा सिंपली आप कहेंगे, बड़े सिंपल तरीके से आप कहेंगे कि 12 किस्तों में है देन 100% कितने किस्तों में होगा। 100 × 12/60 तो यदि हम सॉल्व करें तो आंसर आएगा कि टोटल लोन 20 किस्तों का है। कितने लोग आज पहली बार ही सही, लेकिन ऐसा सवाल हल करने में अब अपने आप को कंफर्ट जोन में लेकर आ रहे हैं कि हाँ सर अब तो ये सवाल मैं लगा सकता हूं। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा और कंटिन्यूअसली इस पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अभी तो हम क्वेश्चन और देखते चलेंगे, इसी में ही बहुत सारी चीजें अभी हम देखते चलेंगे। इधर ध्यान देना सभी लोग। एक और क्वेश्चन, एक बर्तन में 38 लीटर दूध भरा गया तथा वह 95% और कितना दूध बर्तन को पूरा भरने के लिए जरूरी है। देन हाउ मच अमाउंट ऑफ मिल्क required to fill completely the vessel, बर्तन को पूरी तरह से भरने के लिए। कितना और पानी चाहिए, ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितने लीटर का बर्तन है, पूछा गया है कि और कितना दूध बर्तन को पूरा भरने के लिए जरूरी है। प्रश्न पर जरूर गौर करा करिए, और कितना दूध बर्तन को भरने के लिए जरूरी है और कितना मिल्क जरूरी है, हमसे ये पूछा जा रहा है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि और कितना मिल्क जरूरी है और कितना दूध जरूरी है।
तो फिर से आप लोग कहेंगे कि सर 95% अगर वो भर गया था 38 लीटर में, तो दैट मींस 95% 38 लीटर है, और 5% की जरूरत है ना, और कितने की जरूरत है, 5% की, तो 5% और कितना लगेगा, सीधा निकाल दो, क्यों टोटल 100% निकाले, सीधा निकालो ना, ये 19 से कैंसल हुआ, दो बार हम कहेंगे कि और 2 लीटर दूध की जरूरत पड़ेगी, इसे कंप्लीटली भरने के लिए 2 लीटर मिल्क की जरूरत पड़ेगी, 2 लीटर दूध की जरूरत पड़ेगी इसे पूरी तरह से भरने के लिए। ये टाइप वन है, एक आखिरी सवाल टाइप वन में देख रहे हैं, थोड़ा कठिन करने की कोशिश कर रहा हूं। एक विद्यार्थी परीक्षा में 20 प्रश्न हल करता है, उस पर प्रत्येक प्रश्न पर उसे आधे अंक प्राप्त होते हैं। यदि उसे 40% अंक प्राप्त होते हो तथा सभी प्रश्न समान अंकों के हो, तब परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए होंगे। एक परीक्षा में 20 प्रश्न हल करता है, प्रत्येक प्रश्न पर उसे आधे अंक प्राप्त होते हो, यदि उसे 40% अंक प्राप्त होते हो तब सभी प्रश्न समान अंकों के हो, तब क्वेश्चन कितने पूछे गए। इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट एम 20 क्वेश्चन, बट ही गॉट 50% मार्क्स ऑन एवरी क्वेश्चन, फाइनली ही गॉट 40% मार्क्स एंड एवरी क्वेश्चन हैव इक्वल मार्क्स, देन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क इन दिस एग्जामिनेशन। तब इस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन विच आस्क इन द एग्जामिनेशन। इस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि 40% मार्क्स उसको मिले, वो भी आधे ही मार्क्स हैं। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक हुआ कि टोटल 80% मार्क्स थे मतलब उसके पास, लेकिन आधे ही मिले, तो मतलब इन 20 क्वेश्चन पर अगर 80 मार्क्स थे तो 100% मार्क्स कितने क्वेश्चन पर होंगे। 100 × 20/80 फिर से सॉल्व कर देंगे तो आंसर आएगा 25 क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा 25 क्वेश्चन इस परीक्षा में थे। तो क्या ये टाइप क्लियर है पूरी तरह से, या इसमें अभी और प्रैक्टिस करनी है। टाइप वन तेजी से कमेंट्स करिएगा, क्लियर है या इसमें और प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल पहला टाइप बेसिक टाइप है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को कोई दिक्कत आनी चाहिए। 25 क्वेश्चन, कई सारे लोग 50 कह रहे हैं,
बट वो भूल गए कि उसे केवल आधे ही नंबर मिले थे, मतलब वो 40% उसके आधे नंबर के बराबर हैं, तो पूरे नंबर 80% होंगे। इस क्वेश्चन को मैं फिर समझा दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। उसने कहा ना एग्जामिनर ने कि उसको पूरे नंबर नहीं मिले, इसके पहले पूरे पूरे नंबर मिलते थे, इस बार उस गरीब को आधे ही नंबर मिले हैं, और आधे नंबर मिलने के कारण उसको 40% मार्क्स आए। मतलब अगर उसको पूरे नंबर मिल जाते तो 80% मार्क्स आते, तो 20 क्वेश्चन 80% मार्क्स के बराबर है। 80% मार्क्स 20 क्वेश्चन पर है, तो 100% मार्क्स कितने क्वेश्चन पर होगा? आइए देखते हैं टाइप टू के क्वेश्चनों पर, बातचीत कर रहे हैं टाइप टू से पहले टाइप वन को एक नजर देख लीजिए, जहां चॉकलेट के नियम से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसे कुल 40% मार्क्स मिले, और उसे पूरे मार्क्स मिले थे, उसे पूर्ण अंक प्राप्त हुए थे, कंप्लीट मार्क्स मिले थे। तो हमने कहा 40% 10 है, तो 100% 25 होगा। दूसरे में 12 किस्तें चुकाई, 60% लोन अदा हो गया, मतलब 20 किस्तों का लोन होगा। 38 लीटर दूध भरा गया, वो 95% भर गया, तो कितना दूध और बर्तन के लिए ज़रूरी है, तो 5%, मतलब 2 लीटर दूध की और ज़रूरत थी। यहाँ आधे ही मार्क्स मिलने पर 40% है, पूरे मिल जाते तो 80% होते, तो 80% 20 है, तो 100% कितना होगा? अब आते हैं टाइप टू पर। अब हम बातचीत कर रहे हैं टाइप टू के क्वेश्चन, और टाइप टू के क्वेश्चन भी यूपीएससी के फेवरेट टाइप में गिने जाते हैं। इधर ध्यान देंगे, सभी लाल लाली टाइप टू के क्वेश्चन की मैं बातचीत कर रहा हूं, कंसेप्ट लिखवा रहा हूं। पहले एक परीक्षा में, इन एन एग्जामिनेशन, 100% स्टूडेंट फेल इन मैथ्स, एक परीक्षा में 100% विद्यार्थी गणित में फेल हैं, y% फेल इन रीजनिंग, y% विद्यार्थी रीजनिंग में फेल हैं, एंड z% फेल इन बोथ, और z% दोनों में फेल हैं, z% फेल इन बोथ, z% दोनों में फेल है, तब परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं? तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन एग्जाम, वो फेल इन एग्जाम, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन एग्जाम, परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत, x+y-z। वैसे तो इसको वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल फार्मूला मैं दे रहा हूं। एक पेपर में कितने फेल हुए, दूसरे पेपर में कितने फेल हुए, और दोनों में फेल वाले, इधर ध्यान देना सभी लोग प्लीज। ये फार्मूला तो किताब भी दे देगी, फिर मेरी जरूरत क्या है? सारा दुख किताबें ही दूर कर लेती तो फिर आवश्यकता ही क्या थी हमारी। इधर ध्यान देंगे सभी लोग। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये फार्मूला केवल तब लागू होगा जब सारे डाटा एक ही तरीके के होंगे। दिस फार्मूला इज अप्लीकेबल ओनली ऑन व्हेनेवर ऑल द डाटा बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। ऑल डाटा बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, इधर ऑल दे आर फेल, ऑल दे आर पास, या तो वे सभी के सभी फेल है या तो वे सभी के सभी पास है, ऐसी बातचीत होगी तो ही ये चर्चाएं रहेगी। या तो वे सब के सब फेल हो या तो वे सब के सब पास हो,
तब जाकर हम ऐसी चीजें कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, व्हेनेवर ऑल दे बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। दूसरी बड़ी बात, जिस कैटेगरी का डाटा होगा, जिस कैटेगरी का डाटा होगा वही आंसर आएगा। तीनों डाटा फेल के थे तो आंसर फेल का है, अगर तीनों पास का लिया तो आंसर पास का होगा, तीनों आपने पसंद का लिया तो आंसर पसंद का होगा, तीनों आपने ना पसंद का लिया तो आंसर ना पसंद का होगा। इधर ध्यान देंगे आप सभी लोग मेरी बातों पर। एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपके सामने फिर रख रहा हूं, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा प्लीज। तीनों डाटा सेम कैटेगरी के, तो सिंगल डाटा जोड़ देना है, डबल वाले को घटाना है। क्यों घटा रहे सर हम? क्योंकि वो जो जेड है ना, वो इधर भी काउंट हुआ था और इधर भी काउंट हुआ था, तो एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो दो दो बार काउंट हो चुका है, एक बार उसे माइनस करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको इसमें पूरी डाइवर्सिटी दिखा रहा हूं, कितने टाइप की चीजें आ सकती हैं, सभी टाइप की डाइवर्सिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लिखिएगा, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, अगले से आप ट्राई करेंगे। एक परीक्षा में, इन एन एग्जामिनेशन, 28% स्टूडेंट फेल, 28% विद्यार्थी फेल है पेपर वन में, 28% विद्यार्थी पेपर वन में फेल है, 34% स्टूडेंट फेल इन पेपर टू, 34% विद्यार्थी पेपर दो में फेल है, एंड 18% स्टूडेंट फेल इन बोथ, तथा 18% विद्यार्थी दोनों में फेल है, 18% विद्यार्थी दोनों में फेल है, तब परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, पॉइंट टू बी नोटेड मिलोट, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन द एग्जामिनेशन, पास पूछा है मैंने, पास कितने हुए हैं, कितने स्टूडेंट पास हुए हैं इस परीक्षा में आपको फाइंड आउट करना है, कितने परसेंट, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम। तो आपने कहा सर जीवन अब इतना भी कठिन नहीं रहा, x + y - z, x की जगह 28%, y की जगह 34% और z की जगह 18%। तो यदि हम इसको सॉल्व कर ले तो ये आंसर हमारे पास आ जाता 62 - 18, और 62 - 18 का मतलब ये हो जाता 44%, 44%। बट दिस इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन द एग्जाम, 44% तो बच्चे फेल हुए हैं भाई, 44% पास नहीं है, ये फेल हैं मेरे लाल लाली और भावी आईएएस आईपीएस हो, ये फेल हैं, हमें पास चाहिए। तो ऑब्वियसली 100 में अगर 44% फेल हैं तो 56% स्टूडेंट पास हुए होंगे, हम इसे गारंटी के साथ कह सकते हैं। 56% विद्यार्थी पास हुए होंगे, इसकी हम गारंटी ले सकते हैं, 56% स्टूडेंट पास हुए होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अगर तीनों डाटा फेल का है तो आंसर भी फेल का होगा, हमें उसे 100 में से ऑब्वियसली माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 44 अगर ऑब्वियसली फेल हैं तो हम कहेंगे कि 56% पास होंगे, इसमें सोचना ही नहीं है। अब जरा इस पर और गौर करिएगा, एक और क्वेश्चन अभी दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे करेंगे हम इसमें अभी। इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में 70% स्टूडेंट पास इन हिंदी,
एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, 70% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, वाइल 60% पास इन इंग्लिश, जबकि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। 60% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। यदि 22% स्टूडेंट 22% विद्यार्थी दोनों में फेल हो, दोनों में फेल है ये, फेल हो, तब परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन द एग्जाम। तो समझकर अभी तो मैथ्स में जीवन प्रारंभ भी नहीं हुआ और कुछ लाल लाली छुट्टी की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कल्पनाएं तो कलेक्टर बनने की हैं, लेकिन मेहनत तो हमें छोटी से साधारण से किसी परीक्षा के पास करने की भी नहीं करनी है। अद्भुत, कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। तो यहां पर बस आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि आपको मेरा ये पॉइंट याद आया कि नहीं। तीनों डाटा एक ही कैटेगरी का, यदि आप तीनों डाटा फेल का यूज करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि 70 पास मतलब 30 फेल, 60 पास मतलब 40 फेल, 22 फेल ही था। तब जाकर हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यदि हम यहां पर देखें तो 48% स्टूडेंट फेल हैं, क्योंकि तीनों डाटा फेल का, फेल का, फेल का, तो आंसर भी फेल का, तो आंसर आना चाहिए था 52% पास है। बट डायरेक्टली अगर आप पास का डाटा लेते, 70 प्लस 60 माइनस 22% दोनों में फेल हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 78% स्टूडेंट पास है किसी न किसी में, एक पेपर में, दो पेपर में, दोनों में, किसी न किसी में पास 78 है, क्योंकि 22 तो पूरे फेल है। तो 130 माइनस 78 सीधा आंसर आ जाता 52%, और ये सीधा पास का आंसर होता, क्योंकि तीनों डाटा पास के हो जाते। 78% लोगों के बारे में आपको मैं फिर बता दूं कि ये दोनों में पास नहीं है, ये पास है एक में, दो में, या फिर दूसरे में, पहले में, दोनों में, मैक्सिमम पास इतने हो सकते थे, लेकिन जोड़ तो 130 आ रहा है, मतलब वे लोग जो दोनों में पास है वो इनका डिफरेंस होगा। 52% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास होंगे, जिन्हें हम कहेंगे कि वो दोनों में पास स्टूडेंट हैं। पर ऐसा मत सोचना कि जीवन केवल पास फेल पर आधारित रहेगा। मुझे बताइएगा कि क्या दोनों तरीके पहले तो समझ में आ गए हैं, हम इस बात को भी समझ पा रहे हैं कि ये आंकड़े क्या है। बट ऐसा मत सोचेगा कि केवल बातचीत पास और फेल की होगी, इसमें कई टाइप के सवाल बन सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप में दे रहा हूं अभी मैं। एक पार्टी में 62% लोग, 62% पीपल प्रेफर कोल्ड ड्रिंक्स, 62% लोग शीत पेय पदार्थ पसंद करते हैं, शीत पेय पदार्थ पसंद करते हैं, 62% पीपल प्रेफर कोल्ड ड्रिंक्स, जबकि 54% पीपल प्रेफर हॉट ड्रिंक्स, 54% लोग गर्म पेय पदार्थ पसंद करते हैं, 54% पीपल प्रेफर
हॉट ड्रिंक्स गर्म पेय पदार्थ पसंद करते हैं। यदि यदि 20% पीपल 20% लोग दोनों पसंद करते हो, दोनों पसंद करते हो, तब कितने प्रतिशत कुछ भी पसंद नहीं करते, कुछ भी पसंद नहीं करते। उन्हें ना कोल्ड ड्रिंक पसंद है, ना हॉट ड्रिंक, ना उन्हें गर्म पेय पदार्थ पसंद है, ना शीत पेय पदार्थ पसंद है। ऐसे कितने लोग हैं पार्टी में, दे नाइदर प्रेफर कोल्ड ड्रिंक्स नॉर हॉट ड्रिंक्स। यहां पर भी आपको याद आना चाहिए, यहां पर भी आपको याद आना चाहिए कि किस तरीके से हमें चीजें देखनी है। ट पीपल प्रेफर कोल्ड ड्रिंक्स, 54% पीपल प्रेफर हॉट ड्रिंक्स, 20% पीपल प्रेफर बोथ, देन परसेंटेज ऑफ पीपल हु नाइदर प्रेफर कोल्ड ड्रिंक नॉर हॉट ड्रिंक। उन लोगों का प्रतिशत जो कुछ भी पसंद नहीं करते। जो कुछ ने वालों की, तो हम पसंद के आधार पर सॉल्व कर रहे हैं। x प्लस वाई माइनस जेड, 62 प्लस 54 माइनस 20। हमने कहा कि 116 माइनस 20, 96% पीपल प्रेफर ईदर कोल्ड ड्रिंक और हॉट ड्रिंक और बोथ। ये 96% लोग कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, और यदि 96% लोग कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली 4% लोग कुछ भी पसंद नहीं करते। 4% लोग कुछ भी पसंद नहीं करते। 4% पीपल नाइदर प्रेफर कोल्ड ड्रिंक नॉर हॉट ड्रिंक। 4% लोग कुछ भी पसंद नहीं करते, कुछ भी पसंद नहीं करते। पर अभी जीवन इतना सरल नहीं है, क्योंकि अगर जीवन इतना सरल होता तो पृथ्वी पर बुद्ध और स्टेज पर मास्टर अवतरित नहीं हुए होते। आइए अभी जीवन में और कुछ कठिनाइयों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप में, अभी इसी टाइप में, एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी न्यूनतम एक खेल खेलता है। इन ए क्लास एवरी स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन गेम। अंडरलाइन दिस सेंटेंस, बिकॉज दिस सेंटेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। यह वाक्य आपको बहुत बात बता रहा है क्लियरली कि एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी न्यूनतम एक खेल खेलता है। मतलब सभी स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी का मतलब ऑल 100% स्टूडेंट प्लेड, 100% विद्यार्थी खेलते हैं। वो कुछ ना कुछ हो, लेकिन वो खेलते हैं। 100% स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो खेलते हैं, तो न्यूनतम एक खेल खेलते हैं। यदि 64% स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, यदि 64% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हो, एंड 60% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, और 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हो, तब दोनों खेल खेलने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी होंगे। जेड की वैल्यू पूछी है यहां पर, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों खेल खेलने वाले होंगे। रिफ्रेश कर दीजिएगा यदि कोई भी दिक्कत आ रही थी तो, रिफ्रेश कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर दीजिएगा, आप क्लियर हो गया होगा। रिफ्रेश कर दीजिएगा आप लोग। प्रत्येक विद्यार्थी न्यूनतम एक खेल खेलता है,
64% स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, 60% क्रिकेट, तब दोनों खेल खेलने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? ट्वेंटी फोर परसेंट आ रहा है। आइए देखिएगा, देखो यहां उसने कहा है कि एवरी स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन गेम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 100% स्टूडेंट खेल खेलते, 100% 100%। तो इस पर जरा गौर करिएगा कि अगर 100% स्टूडेंट खेल खेलते हैं तो ये जो एक्स और वाई दिया है इसका सम तो 124 आ रहा है, ये तो 124% आ रहा है, जबकि खेलने वाले तो 100% थे, 100% मैक्सिमम लोग थे। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो इधर और उधर दोनों जगह खेलते होंगे, इसलिए ये जोड़ ज्यादा आ गया है। तो जितना 100 से ज्यादा आ गया ना मेरे लाल लालियो, जितना 100 से ज्यादा आ गया वह लोग वे होंगे जो दोनों खेल खेलने वाले होंगे, क्योंकि तभी तो 100 से ज्यादा आया है, तभी तो 100 से ज्यादा आया है। हम कहेंगे कि वो 100% जो लोग हैं, जो 100% लोग हैं, उससे जितनी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी हम कहेंगे कि वे दोनों खेल खेलने वाले लोग माने जाएंगे, वे दोनों खेल खेलने वाले लोग कहलाएंगे। अब जरा इस पर एक और चीज गौर करिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान देना सभी लोग, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान देंगे। आपको यह पता है कि देर आर 24% स्टूडेंट प्ले बोथ गेम, दैट मीन जेड इज 24%। एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, हमें पता था कि 64% स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं, हमें पता था कि 60% स्टूडेंट क्रिकेट खेल कर देखते हैं, हमें पता है कि 24% दोनों खेलते, आज हमें ये पता चल गया। मान लीजिए इनके स्कूल में मैं गया और मैंने कहा फुटबॉल खेलने वाले लोग जरा आ जाए, तो वो फुटबॉल खेलने वाले सारे लोग यहां खड़े हो गए। मैंने कहा फुटबॉल के अलावा कुछ और आता हो तो निकल जाना यहां से, फुटबॉल के अलावा कुछ और आता हो तो यहां दिखना नहीं चाहिए मुझे। तो 64% में 24% चले गए और अब मेरे पास केवल 40% की भीड़ बच गई, 40% लोग, 24% चले गए मेरी बात सुनकर नाराज होकर कि कौन सा हवाबाजी वाला व्यक्ति आ गया है जो ये कहता है कि जिसको फुटबॉल के अलावा कुछ और आता हो निकल जाए, तो हम चले आए हैं। इन 40% के बारे में आपकी राय क्या है? What do you say about this 40% people, this 40% student? मुझे बताना कमेंट्स करके, ये 40% लोगों के बारे में आपकी राय क्या है कि ये 40% लोग कौन है? ये वो 40% लोग हैं जिन्हें केवल फुटबॉल आता है, दैट मीन्स दे प्ले ओनली फुटबॉल, ये केवल फुटबॉल खेलते हैं। वैसे ही 60 में से मैंने फिर उन 24% लोगों को निकाल दिया, तो ये बचे हुए 36% वे लोग हैं जो ओनली क्रिकेट खेलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर x में से z माइनस कर दे, x में से दोनों माइनस कर दे, तो वो आंसर ओनली x का होता है। यदि x की जगह y में से z माइनस कर दे, तो वो आंसर ओनली y को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। इस कंसेप्ट पर भी गौर करिएगा, ये भी एक कंसेप्ट है कि जहां z देंगे हम
तो वह ओनली को दर्शाता है, ओनली को रिप्रेजेंट करता है। इधर ध्यान दीजिएगा। अभी अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें आपसे तीन सवाल मैं पूछूंगा। एक पार्टी में 70% लोग शाकाहार पसंद करते हैं, 70% पीपल प्रेफर वेजिटेरियन, जबकि 55% लोग मांसाहार पसंद करते हैं, वाइल 55% पीपल प्रेफर नॉन वेज। यदि प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ पसंद करता हो, इफ एवरी पर्सन प्रेफर एटलीस्ट वन फूड पसंद करता हो तब देन क्वेश्चन फर्स्ट, कितने प्रतिशत लोग दोनों पसंद करते हैं। परसेंटेज ऑफ पीपल हु प्रेफर बोथ, कितने प्रतिशत लोग केवल मांसाहार पसंद करते हैं, ओनली नॉन वेज। क्योंकि अब आपको मैंने तीनों बातें पढ़ा दी है, तीनों बातें, और तीनों का आंसर एक साथ आना चाहिए। टेल मी द आंसर ऑफ ऑल थ्री क्वेश्चंस। रिफ्रेश कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर देना। रिफ्रेश कर दीजिए आप लोग, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो। कोई बात नहीं है, तो तीनों वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। पहले में तो आप कहेंगे कि 70 + 55 दैट मीन्स 125, तो आप कहेंगे कि सर 25% ज़्यादा हैं, तो ये 25% दोनों वाले लोग होंगे। आप कहेंगे कि ये 25% में दोनों लोग वाले आ जाएंगे। आप कहेंगे कि ये 25% ऐसे लोग हैं जो दोनों पसंद करने वाले लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 70 + 55 ये सम 125% आया, तो 25% दोनों का है। मांसाहार पसंद करने वाले 55 हैं, अगर 55 में 25 माइनस कर दे देन 30% वे होंगे जो ओनली नॉन वेजिटेरियन हैं, और 70 में से 25 माइनस कर दे तो वे आ जाएंगे 45% जो ओनली वेजिटेरियन हैं, ओनली वेजिटेरियन लोग हैं। कितने लोग इस सवाल को समझ पाए हैं, और अब मैं आपको जो सवाल दे रहा हूं यूपीएससी 2020 का, बड़ा खूबसूरत सवाल था और मुझे नहीं लगता है कि किसी की गलती होनी चाहिए, लेकिन बढ़िया सवाल है। इसमें यूपीएससी ने कोई परसेंट नहीं दिया था, डायरेक्ट नंबर दिए थे, बट फार्मूला कंसेप्ट सेम था। देखिए जरा कितने लोग उत्तर दे पाते हैं। एक समूह में 15 व्यक्ति है। देर आर 15 पर्सन इन ए ग्रुप। एक समूह में 15 व्यक्ति है जिनमें 7 व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, इन विच 7 पर्सन नो इंग्लिश, 7 व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, 8 व्यक्ति
फ्रेंच जानते हैं, फ्रेंच। 8 people prefer French, 8 व्यक्ति, 8 people know French, 8 व्यक्ति फ्रेंच जानते हैं। यदि 3 व्यक्ति, 3 व्यक्ति दोनों भाषाएं न जानते हो, 3 व्यक्ति दोनों भाषाएं न जानते हो, तब कितने व्यक्ति दोनों भाषाएं जानते हैं? एक ग्रुप में 15 लोग हैं, 15 person इन द ग्रुप। इफ 7 person नो इंग्लिश, 8 person नो फ्रेंच, 3 person नाइदर नो इंग्लिश नॉर फ्रेंच, तब कितने व्यक्ति दोनों भाषाएं जानते हैं? कितने व्यक्ति दोनों भाषाएं जानते हैं? आवाज नहीं आ रही है, जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है वो थोड़ा रिफ्रेश कर ले, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर आवाज नहीं आ रही होती तो सभी को आवाज नहीं आ रही होती। कितने व्यक्ति दोनों भाषाएं जानते हैं? बड़ा खूबसूरत सवाल है और ध्यान से देखिए, मतलब रियली बता रहा हूं, क्वेश्चन इसलिए बढ़िया है क्योंकि कोई कैलकुलेशन, जैसे पीसीएस वाले लोग, वन डे एग्जाम वाले लोग बड़े बड़े कैलकुलेशन देते हैं, यूपीएससी छोटा सा कैलकुलेशन लेकिन इतना खूबसूरत पेश करती है कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इधर ध्यान देना, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं भाई, 3 लोग तो तुम्हें पता है ना कि वो कुछ भी नहीं जानते, तो 15 लोगों में 3 लोग कुछ भी नहीं जानते, मतलब 12 लोग जानने वाले हैं। बट वो तो कह रहा है कि 7 लोग इंग्लिश जानते हैं, 8 लोग फ्रेंच जानते हैं, तो 15 लोगों में 12 लोग कुछ ना कुछ जानते हैं, तो मतलब ये 15 क्यों आ रहा है फिर? क्योंकि 3 लोग ऐसे होंगे जो दोनों भाषाएं जानते होंगे और इसीलिए तो वह 12 की जगह जोड़ 15 आ गया। बड़ा सिंपल है कि जानने वाले लोग 12 ही हैं, जानने वाले लोग 15 लोग हैं तो इससे कोई मतलब थोड़ी है। इंपॉर्टेंट ये है कि जानने वाले लोग कितने, जानने वाले लोग केवल 12 हैं, पर वो कह रहा है कि 7 इंग्लिश 8 फ्रेंच, तो हमने कहा ये जोड़ 15 कैसे ला रहे हो भाई, 12 ही लोग जानते हैं, 15 कैसे आ रहा है? कुछ लोग ऐसे हैं जो उधर भी थे इधर भी थे, मतलब दोनों भाषाएं जानते थे, और वो 3 लोग होंगे जो दोनों जानते होंगे, क्योंकि वो 3 एक्स्ट्रा इसीलिए आए क्योंकि वो दोनों जगह जा रहे हैं गरीब लोग। एक खूबसूरत सवाल था, लेकिन अभी जीवन इतना सरल नहीं है, अभी मैं इस टाइप में और क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, इधर ध्यान दीजिएगा। अब इस टाइप में कभी कभी एग्जामिनर आपको नंबर भी पूछ सकता है, जैसे एक परीक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, 2000 विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, एक परीक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, यदि 60% विद्यार्थी फिजिक्स में पास हो, 70% विद्यार्थी केमिस्ट्री में पास हो तथा 24% विद्यार्थी दोनों में फेल हो, तब कितने विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए हैं
शब्द पर गौर करना, कितने विद्यार्थी, मैंने प्रतिशत नहीं पूछा, कितने प्रतिशत, कितने विद्यार्थी। इफ इन द एग्जामिनेशन टोटल 2000 स्टूडेंट अपियर्ड, इन विच 60% स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, 70% पास इन केमिस्ट्री एंड 24% फेल इन बोथ, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाई द एग्जाम, तब उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जो परीक्षा में पास हुए हैं, तब उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताएं जो परीक्षा में पास हुए हैं। उन विद्यार्थियों का परसेंटेज, मैं सीसेट में जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है वो सारे टॉपिक करते चलूंगा, बस आप भी अपने प्रॉमिस को याद रखिएगा कि शेयर और लाइक करते चलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग सेपरेट सेपरेट मत निकालना, डायरेक्टली पहले तो नॉर्मल तरीके से x plus y minus z, तो x की वैल्यू हमारे पास है 60, y की वैल्यू 70 और z, ये पास का आंकड़ा था, ये बात पास की है तो ये फेल की नहीं ले सकते, यहां भी पास का यूज करो, 76, सो 130 माइनस 76, तो हम कहेंगे कि यहां पर आ जाएगा 44% पास हुए हैं, 44% पास हुए, बट इस बार परसेंट नहीं निकालना है, टोटल 2000 का 44% निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा कि इस एग्जाम में कुल 880 स्टूडेंट पास हुए हैं, इस एग्जाम में कुल 880 स्टूडेंट पास हुए हैं। अद्भुत है, अद्भुत आया है। इधर देखिएगा, 60% पास थे, 70% पास थे, 76% किसी न किसी में पास हैं, क्योंकि 24% तो फेल हैं, तो 130 माइनस 76, तो हमने इसे सॉल्व कर दिया तो ये 44% पास हुए ना, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है, अद्भुत है। अब मेरे आंसर आने के बाद 880 लिख रहे हैं, अद्भुत है, अद्भुत है, किसी का भी आंसर नहीं, मुझे तो चिंता होने लग गई कि अभी लोग कह रहे थे कि सर सिंपल सवाल है, टिपिकल करिए, और इतना सिंपल सवाल भी आप लोगों ने गलत कर दिया। ये जो 1080 आप लोगों ने में से कई लोगों ने निकाला है, अद्भुत है, अद्भुत है, सबका गलत। सोचो कि 1100 लोगों की भीड़ और सबका आंसर गलत, अरे आगे पार्ट पीछे सपाट चल रहा है। अभी तो बताया था कि तीनों डाटा एक ही कैटेगरी का होना चाहिए था, एक ही कैटेगरी का होना चाहिए था, टोटल 2000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, कहां गलती कर बैठे। यकीन मानो कि जब 880 आया तो मुझे डाउट हुआ कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते हैं। अद्भुत हवाबाजी वाले लाल लाली है हमारे पास, जिन लोगों का भी इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए, कई स्टूडेंट कह रहे सर ये 130 माइनस 76, तो 10 में से 6 गया 4 रहेगा, और यहां पर आप माइनस कर दीजिए तो 12 में से शायद 13 में से 8, ठीक है 54, ठीक है मैं समझ गया, 54 मैं समझ गया। कई सारे लाल लाली मुझे कह रहे हैं, मैं समझ गया कि सर आपका गलत आ रहा है।
ठीक है मैं समझ गया, मैं स्वीकार करता हूँ, मास्टर हवाबाजी कर रहा था। तो 54% ठीक है, 54% 1080 आंसर आना चाहिए था 1080 ठीक है मैंने मान लिया, मास्टर ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया, मान गए भी कि 1080 सही आंसर आना चाहिए। सेवेंटी सिक्स कैसे, कई सारे लाल लाली अभी भी 76 पूछ रहे हैं। 24% फेल है ना भाई दोनों में, हमें तो पास चाहिए, तो हमें दोनों में पास तो नहीं मिलेगा, लेकिन 100 में से 76 चले 24 चले जाए तो 76% लोग वे हैं जो किसी न किसी में पास है, एक पेपर में या दोनों पेपर में, लेकिन वो पास है। आइए एक बार फिर से देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न का, देखें कितने लोग समझ पा रहे हैं। एक पार्टी में, एक पार्टी में पैंसठ प्रतिशत लोगों के पास कार थी। एक पार्टी में 65% पार्टी की जगह एक कॉलोनी कर देते हैं या एक समूह कर देते हैं, एक समूह में 65% लोगों के पास कार थी, जबकि 50% लोगों के पास मकान था। 65% पीपल हैव कार व्हाइल 50% पीपल हैव हाउस। यदि प्रत्येक व्यक्ति के पास कार या मकान में से न्यूनतम एक वस्तु हो तब यदि 105 लोगों के पास दोनों हो तब इस समूह में कुल कितने लोग होंगे। नंबर ऑफ पीपल इन दिस ग्रुप, इस समूह में कुल कितने लोग होंगे, ट्राई करिए, एक बढ़िया खूबसूरत सवाल है ये। इस समूह में कुल कितने लोग होंगे, एक बढ़िया सवाल है इसी पैटर्न का। मुरलीधर आवाज नहीं आ रही है बेटा, रिफ्रेश कर लो, क्योंकि आवाज अगर नहीं आती तो फिर किसी को भी नहीं आती। नंबर ऑफ पीपल इन दिस ग्रुप, तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि प्रत्येक के पास न्यूनतम एक वस्तु का मतलब ये तो क्लियर है कि 100% लोगों के पास कुछ ना कुछ है। तो 65 प्लस 50 115, 100 लोगों की बातचीत करें तो 15% लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों चीजें होगी, क्योंकि दो ही डाटा है, जब दो ही डाटा दिया जाता है, दो ही डाटा एक्स और वाई का होता है, तो 100 से जितना ज्यादा आएगा वो जेड को दर्शा रहा होता है, 100 से जितना ज्यादा आएगा वो डायरेक्टली जेड को दर्शा रहा होता है, हम सीधा कह सकते हैं। तो अगर वो जेड को दर्शा रहा है 15%, लेकिन वो तो कह रहा है कि 105 लोग है ऐसे, दैट मीन्स 15% इज इक्वल टू 105, तो 100% कितने होंगे, तो 100 into 105 by 15
सॉल्व करते चले जाएंगे तो आंसर आएगा 700 लोग ऐसे होंगे इस समूह में, टोटल लोग 700 होंगे। तो ये टाइप टू की डाइवर्सिटी है, टाइप टू की डाइवर्सिटी। एक नजर जरा देख लीजिए आप सभी लोग, टाइप वन के सवाल मैंने अभी जो करवाए थे, टाइप वन में हमने देखा था चॉकलेट वाले कंसेप्ट के बेसिस पर सवाल आते हैं और बहुत सिंपल सवाल टाइप वन में आते हैं। टाइप टू में हमने देखा तीनों एक ही कैटेगरी का होना चाहिए, जिस कैटेगरी का होगा आंसर उसी कैटेगरी का माना जाएगा। फिर हमने इसमें एक और डाइवर्सिटी देखी थी कि अगर दो ही डाटा हैं तो 100 से ज़्यादा जितनी वैल्यू आएगी वो दोनों के कॉमन को दर्शाएगी। अगर हमने जेड कॉमन डाटा को दोनों से घटाया तो ओनली वाला आंसर आता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने देखा। फिर हमने आपको बताया कि ऐसे सवाल जहां परसेंट की जगह नंबर आ सकता है, फिर हमने आपको नंबर वाले सवालों की ओर लेकर आया कि नंबर पूछे जा सकते हैं, और इसी के बेसिस पर हम सॉल्व करते चले गए और आंसर निकाला। मैं कल के दिन आवाज पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि क्लियर हो जाए, आवाज का जो भी इशू है वो क्लियर कर देंगे। अब यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पर गौर करिएगा, एक सवाल मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, एक सवाल मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। सवाल दो की जगह तीन डाटा का सवाल है, तीन डाटा का सवाल है, लेकिन उससे पहले एक और प्रश्न मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, ट्राई करिएगा, ये भी एक होमवर्क मान लेना। नर्सरी की कक्षा में 50 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, इन्हें नर्सरी क्लास, टोटल 50 स्टूडेंट एडमिशन टेक एडमिशंस। यदि 10 विद्यार्थी अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों जानते हो तथा 21 विद्यार्थी अंग्रेजी जानते हो, नर्सरी की कक्षा में 50 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, 10 विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानते हो, 21 विद्यार्थी अंग्रेजी जानते हो, तब हिंदी जानने वाले कितने विद्यार्थी हैं? केवल हिंदी जानने वाले कितने विद्यार्थी हैं? केवल अंग्रेजी जानने वाले, केवल अंग्रेजी जानने वाले कितने विद्यार्थी हैं? बिल्कुल सिंपल सवाल है, लेकिन ट्राई जरूर करिए, एक बढ़िया प्रश्न है। तीनों प्रश्नों का आंसर मुझे कमेंट्स करिएगा क्लास के बाद, तीनों प्रश्नों का आंसर कमेंट्स करिएगा क्लास के बाद। होमवर्क दे रहा हूं मैं दो क्वेश्चन, इन्हें नर्सरी क्लास, टोटल 40 स्टूडेंट टेक एडमिशन। इफ देर आर 10 स्टूडेंट नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश वाइल 21 नो इंग्लिश, तब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट नो हिंदी, नंबर ऑफ स्टूडेंट नो ओनली हिंदी, नंबर ऑफ स्टूडेंट नो ओनली इंग्लिश। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं अब मैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है। और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, ट्राई करके देखिएगा, आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो समझ जाना कि नहीं आएगा एग्जाम हॉल में। एक क्षेत्र में 40% लोग पत्रिका ए पढ़ते हैं, इन ए रीजन 40% पीपल रीड मैगजीन ए, 40% लोग पत्रिका ए पढ़ते हैं, 30% लोग
पत्रिका बी पढ़ते हैं, पत्रिका बी पढ़ते हैं तथा 50% लोग पत्रिका सी पढ़ते हैं, पत्रिका सी पढ़ते हैं, यदि यदि 15% लोग पत्रिका ए एवं बी दोनों पढ़ते हो, 15% पीपल रीड बोथ मैगजीन ए एंड बी, 12% लोग पत्रिका बी और सी दोनों पढ़ते हो तथा 10% लोग पत्रिका सी और ए दोनों पढ़ते हो, दोनों पढ़ते हो, जबकि 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 8% लोग तीनों पत्रिका पढ़ते हो, तीनों पत्रिका पढ़ते हो, 8% रीड ऑल थ्री मैगजीन्स, तब कितने प्रतिशत लोग कोई भी पत्रिका नहीं पढ़ते, कोई भी पत्रिका नहीं पढ़ते। इसका भी आंसर कमेंट्स करिएगा, मैं छोटी सी हेल्प कर रहा हूं, एक ट्रिक्स आपको दे रहा हूं। 1-2+3 सिंगल वाला डाटा पूरा जोड़कर उसमें से दोहरे वाले डाटा को घटा देना और ट्रिपल वाला डाटा उसमें जोड़ देना, इसकी ट्रिक्स होती है 1-2+3। ट्राई करके देखना, 1-2+3 मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सिंगल वाले ए बी सी सिंगल वालों को जोड़कर उसमें से दो दो पत्रिका वालों को घटाकर ट्रिपल पत्रिका वालों को जोड़ना है, देख लीजिएगा कितना आएगा। वो कुछ ना कुछ पढ़ने वाले लोग होंगे, बचे हुए लोग कुछ भी नहीं पढ़ते होंगे। तो दोनों सवालों को एक बार देख लीजिए आप लोग, दोनों सवालों पर प्रश्न बनाया जा सकता है, आपको दोनों का आंसर कमेंट्स करना है। ये टाइप 2 तक के सवाल हो चुके हैं, टाइप दूसरा थोड़ा बड़ा टाइप है इसलिए ज्यादा टाइम लग जाता है, बाकी टाइप इतने बड़े नहीं है। तो कल की क्लास में हो सकता है कि टाइप 3, 4, 5, 6, 7 कंप्लीट हो जाए, मे बी तीसरी क्लास में पूरा परसेंट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इस वीक में परसेंटेज नाम का ये टॉपिक समाप्त होगा। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, कम्युनिटी जो अनएकेडमी लर्निंग ऐप है ना, उस अनएकेडमी लर्निंग ऐप पर आप डाउनलोड कर लीजिए अनएकेडमी लर्निंग ऐप, और उसमें मैंने कम्युनिटी में प्रैक्टिस शीट डाल दी है, बिना किसी पैसों के क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट दे रहा हूं मैं, तो उसे आप प्रैक्टिस जरूर करते चलिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, हम देखते चलेंगे आगे की बातचीत क्या हो सकती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे की बातचीत, रिवीजन करते चलिए।